सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। सो अगेन दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज आज है 21 फरवरी और आज से होने थे चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और वो हो चुके हैं। सुनिए सुनिए, जाइए कहीं मत, पहले आप प्रोसेस देख लो तभी जाना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपसे स्लॉट फिल नहीं होगा, और स्लॉट फिल नहीं होगा तो आप यात्रा नहीं कर पाओगे। तो पहले पूरा प्रोसेस आप जान लो स्टेप बाय स्टेप, देन आप अपना रजिस्टर कर देना, सिंपल है। सो आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ A to Z एंड स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देख ली तो मैं होप करता हूं कि आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इस साल 2023 में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अदर कंट्री से भी हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देख लें, बिकॉज उनके काफ़ी सारे डाउट रहते हैं, तो उनके लिए इसमें कुछ ही चेंजेस किए जाएंगे, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा, वो भी मैंने इसमें कवर किया है, तो आप लोग भी ज़रूर देख लें। जो नेपाल से हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और जो अदर कंट्री बांग्लादेश से भी हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपके भी डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, इस साल आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन थ्रू वेबसाइट, तो इसका तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस ही दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। देन सेकेंड है रजिस्ट्रेशन थ्रू व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप नंबर है 8394838333। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8394838333। तो इस नंबर पर आपको अपनी जो भी डिटेल्स है वो सेंड कर देनी है, जो मैंने आपको बताई हैं। इस पर आपको जो भी एक अपनी आईडी है उसकी फ़ोटो इस पर भेज देनी है, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको इसमें सेंड कर देनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास है टोल फ्री नंबर, नंबर आपको गाइस पता ही है 0135-1364, ये है टोल फ्री नंबर। इस पर आपको जो भी डिटेल आपने व्हाट्सएप पे भेजी थी वही डिटेल्स आपको कॉल पर बतानी है, सिंपल है। एंड देन फोर्थ ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन थ्रू एप्लीकेशन, सो गाइस आपको प्ले स्टोर पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड एप्लीकेशन सर्च करना है, वो एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपने जो डिटेल्स बताई हैं उनको अपने आप फिल करना है। एंड फिफ्थ ऑप्शन आपके पास है रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑफलाइन, सो गाइस ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस साल सिर्फ एक ही प्लेस है, वो है ऋषिकेश। तो जिनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने हैं वो ऋषिकेश में जाके करा सकता है, यात्रा कार्यालय ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किए जाएं। सो नाउ गाइस, ये सभी बात आपने समझ ली, ये थे 4 ऑप्शन जिनके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब सबसे मेन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन थ्रू वेबसाइट की। तो अब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लो, कहीं आपकी डेट ऑफ जर्नी के अकॉर्डिंग कोई स्लॉट फिल ना हो जाए, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन सीख लो। तो चलो फिर जल्दी से साइट पर। फर्स्टली आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, या फिर आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो बस आपको डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लेना है, सिंपल प्रोसेस वही रहेगा। इसके बाद आपको सर्च करना है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर, बस देन फर्स्ट पर ही आपको क्लिक कर देना है। देन अगेन आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। अब यहां आप देखो, साइट को ओपन करते ही आपको एक पॉपअप शो होगा जिसमें क्लियरली लिखा है कि ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर केदारनाथ धाम एंड बद्रीनाथ धाम विल कमेंस फ्रॉम 21 फरवरी एट 7 AM। बिकॉज दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अभी यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की जो कपाट ओपनिंग डेट है वो ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर नहीं की गई है, तो अभी सिर्फ आप 21 फरवरी से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के ही रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। बट जैसे ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की कपाट ओपनिंग डेट ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर होगी तो तब आप चारों ही धामों के रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और यहाँ पर आप कुछ और डिटेल्स भी देख सकते हो, जैसे केदारनाथ धाम के कपाट कब ओपन होंगे, 25 अप्रैल, एंड एक दिन में केदारनाथ धाम में कितनी यात्रियों की कैपेसिटी है, तो वो आपको क्लियरली शो हो रहा है
15,000 पर डे लिमिट है। बट वहीं अगर हम बात करें ई पास रजिस्ट्रेशन की, तो एक दिन में केदारनाथ धाम में लिमिट है 9,000 पिलग्रिम्स की, मतलब 9,000 यात्रियों को ही एक दिन में रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। और इसी तरह से आप बद्रीनाथ धाम की डिटेल्स भी देख सकते हो, 27 अप्रैल को कपाट ओपन होंगे और इसकी कैपेसिटी है एक दिन में यात्रियों की 18,000 और ई पास सिर्फ 10,000 पर्सन को ही दिया जाएगा एक दिन में। देन आपको कॉन्टिन्यू पर क्लिक कर देना है। नाउ अगर आप पहली बार इस साइट पर आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है, इजीली आपको लॉगिन कर लेना है। सो मैं एज अ फ्रेश यूज़र आपको रजिस्टर करके दिखा रहा हूँ, तो सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देना। अब यहाँ फर्स्टली आपको नेम डालना है, देन मोबाइल नंबर। अब यहाँ आपको नीचे तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, टूर ऑपरेटर, ये उनके लिए है जिनकी कोई ट्रैवल एजेंसी है। सेकंड इंडिविजुअल, ये जो सोलो ट्रैवलर हैं ये उनके लिए है। थर्ड फैमिली, अगर आपकी फैमिली है या फिर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो। बट अगर आप एज अ टूर गाइड रजिस्टर करोगे तो आपको कंपनी नेम जीएसटी नंबर फिल करना पड़ेगा। सो अभी मैं आपको इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। सो सेलेक्ट इंडिविजुअल, देन यहाँ आपको पासवर्ड फिल कर देना है, कन्फर्म पासवर्ड, देन साइन अप। मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है तो आपको बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अगर आप न्यूली रजिस्टर करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पर फिल किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप फिल कर देना, देन रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है रजिस्टर्ड मोबाइल से और पासवर्ड से, कैप्चा को फिल कर देना। अब एक साइड आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी जो भी आपने फिल की है। और यहाँ दो ऑप्शन, फर्स्ट ये है कि आपको एक न्यू टूर प्लान करना है, एंड सेकंड जो क्रिएटेड प्लान है उसको आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पर। सो सिंपल आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है, आपको ऐड न्यू टूर पर क्लिक करना है, देन फर्स्ट चार धाम यात्रा ये अपने आप आ जाएगा। सेकंड पॉइंट सिलेक्ट टूर ड्यूरेशन, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं बट आप ध्यान से सुनो, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ लोगों की क्वेरी भी थी, तो यहाँ आपको दो डेट सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट वो कि जिस दिन आप हरिद्वार में एंटर करोगे, एंड सेकंड वो कि जिस दिन आप हरिद्वार से बाहर निकल जाओगे अपने स्टेट के लिए। सिंपल है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपकी यात्रा जिस भी डेट की है, बस जिस दिन आप हरिद्वार में एंटर कर लोगे, दैट इज डेट वन, एंड जिस दिन यात्रा कंप्लीट करके हरिद्वार से अपने स्टेट रिटर्न निकल जाओगे, दैट इज डेट टू। समझ गए? अगर यस तो कमेंट में जरूर बताना। नाउ अब आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे, देन वो स्लॉट शो करेगा, देन सिंपली आपको इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपने जो भी डेट सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लॉट्स दिखा देगा कि केदारनाथ धाम में 25 अप्रैल 26 अप्रैल में कितने स्लॉट वैकेंट हैं, या फिर 27 अप्रैल 28 अप्रैल में कितने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के स्लॉट वैकेंट हैं। और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के तो अभी आपको दिखाएगा ही नहीं, बात रही हेमकुंड साहिब की तो वो भी मैं आपको भी आगे बता देता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, क्लिक वगैरह कुछ नहीं करना, बस ऊपर से कट कर देना। और हेमकुंड साहिब के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे इसका भी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन हेमकुंड साहिब यात्रा 22 मई से स्टार्ट हो जाएगी, ये अपडेट आ चुका है। तो यहाँ के भी रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होंगे वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक आपने बात समझ ली, और मुझको लगता है इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा। तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही जो लोग इस साल यात्रा कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस भी जरूर लगाएं और बताएं इस साल कितने भक्त बाबा केदार के दर्शन करने वाले हैं। और हाँ, डेट भी मेंशन करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ टूरिस्ट, जितने भी आप टूरिस्ट हो वो फिल कर देना, बट रजिस्ट्रेशन सबका ही आपको सेपरेट करना पड़ेगा और एक ही पर्सन पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बस आप उसको डिटेल्स भेज देना। नाउ मोड ऑफ ट्रैवल, यात्रा कैसे करोगे, बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर, बाय वॉकिंग, जैसे भी आप करोगे वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना। देन प्लान योर डेस्टिनेशन, कौन से धाम आप जाना चाहते हो,
वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। देन अगर आप किसी और धाम की यात्रा भी करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जो लोग बद्री और केदारनाथ धाम करना चाहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हरिद्वार टू हरिद्वार की एंट्रिंग एंड लीविंग डेट भी सिलेक्ट कर। मान लीजिए आपको बद्री केदार दो धाम की यात्रा करनी है तो आप उस दूसरे धाम पर जिस दिन भी दर्शन करोगे उसकी डेट यहाँ सिलेक्ट कर लेना। सपोज करो मैंने 20-25 की हरिद्वार टू हरिद्वार की डेट सिलेक्ट कर ली और मुझको इस टाइम पीरियड में बद्री और केदारनाथ दो धाम करने हैं, तो आपको यहाँ वो डेट सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट जिस दिन आप केदारनाथ धाम यात्रा करोगे, देन जिस भी दिन आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन करोगे उस टाइम पीरियड में वो डेट सिलेक्ट कर लेना। ऐसे ही आप चारों ही धामों का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। बस जो ये ऊपर वाली डेट है ना एंट्रिंग एंड लीविंग की हरिद्वार टू हरिद्वार, इसको आप सिलेक्ट कर लेना, हो जाएगा। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे एंट्रिंग डेट एंड लीविंग डेट, देन सेव। अब यहाँ आ गया टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसकी एक आईडी भी आ गई यहाँ पर, देन ओके। अब यहाँ मैंने केदारनाथ धाम सिलेक्ट किया था तो वो अपने आप आ गया। नेक्स्ट अपना नेम फिल कर देना, देन एज, जेंडर, मोबाइल नंबर जो चलता हो, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर ऑल, देन कंट्री इंडिया। और अब वो भी सुन लीजिए जो अदर कंट्री से है, लाइक नेपाल, वहाँ की बहुत क्वेरी आ रही थी, आप यहाँ नेपाल सेलेक्ट कर लेना। साइट स्टार्ट करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए तब यहाँ जो भी नेशनल आईडी होगी उसका नंबर फिल कर देना, देन आपका जो भी एड्रेस है वो फिल कर देना, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जिस भी स्टेट से हुआ वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। देन एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर एंड आपसे क्या रिलेशन है उनका, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। बाय चांस कोई मिस हैपनिंग होती है तो ये डिटेल्स उसके लिए है, बट ऐसा कुछ ना हो बट आपको फिल करनी होगी। नाउ अगर आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पर चेक कर देना, अदरवाइज अनचेक ही रहने देना। देन नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रैवल, वही आप यात्रा कैसे कर रहे हो, बाय बस, टू व्हीलर, जैसे भी आप यात्रा कर रहे हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। नाउ नेक्स्ट आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, अगर है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अनचेक कर देना। देन नेक्स्ट ड्राइवर नेम टाइप कर देना एंड व्हीकल नंबर जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हो। नाउ नेक्स्ट पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो सेलेक्ट कर लेना। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी होनी चाहिए, देन उसकी एक फोटो भी अपलोड करनी है। नेक्स्ट आर यू COVID-19 वैक्सीनेटेड, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसकी रेफरेंस आईडी डाल देना, अदरवाइज अनचेक रहने देना, इस साल कोई इशू नहीं है COVID-19 का, बट जो अदर कंट्री के पर्सन हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, ये बात भी आप याद रखें। नेक्स्ट साथ में किसी और का भी करना हो तो सेम एड मोर कर देना आप एंड उसकी भी इसी तरह से डिटेल फिल कर देना। अगर आप इंडिविजुअल हो तो फाइनली फिनिश पर क्लिक कर देना, हो गया आपका चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, देन यात्रा पिलग्रिम की डिटेल्स आ जाएंगी। आप अपडेट भी कर सकते हो अगर कोई आपको करेक्शन करनी हो, अदरवाइज सिंपली आप डाउनलोड PDF कर लेना। आपका यात्रा पास आपके पास आ गया, नाउ दैट इज इट, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, आ गया आपके पास यात्रा का ई पास, अब आपको कोई यात्रा करने से नहीं रोक सकता। नाउ गाइज ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है बट लिटरली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी आने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो के थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई इशू है, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो और शेयर करना सभी को। इस साल किसी को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी को। और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसे ही कंटेंट वीडियोस इन फ्यूचर भी आप देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को। सो गाइस हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।